तीन मेटालिक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ए बी और सी। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज है सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा। रेडियाई है ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। पहले पार्ट में क्वेश्चन के हमको शेल ए, शेल बी और शेल सी तीनों का पोटेंशियल बताना है। सेकेंड पार्ट गिवन है, अगर पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ सी के इक्वल हो जाए देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। चलिए आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। पोटेंशियल ऑफ ए इन तीन चार्जेस के कारण होने जा रहे हैं, बी का भी तीनों के कारण, सी का भी तीनों के कारण। तो इसके कारण, इनर वाले के कारण, इसका खुद का पोटेंशियल, इसका चार्ज कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इसके कारण माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ये आ जा रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर है? इसी तरीके से पोटेंशियल ऑफ बी अगर देखें, बी पॉइंट का पोटेंशियल फिर से ए बी और सी तीनों के कारण आएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ बी आ जाएगा ना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। इसी तरह पोटेंशियल शेल सी का कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ये आ जा रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। अब गिवन क्या है? गिवन है पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। हमको रिलेशनशिप बताना है किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में। चलिए इक्वेट कर दीजिए फिर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। यहाँ से आ गया ए प्लस बी इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन विच वी आर हैविंग। क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग क्यूब एट अ डिस्टेंस डी from the center of the cube. Find the electric field at the center of the cube due to charges appearing on its surface.
अब ये पॉइंट जो सेंटर है क्यूब का, बल्क में लाई कर रहा है क्यूब के, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। मीन्स क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² ई इंड्यूस्ड जस्ट उतना ही आना चाहिए। तो ई इंड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दैट जो नेट फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब वो जीरो हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह सकते हैं आप, उसी का यूज कर रहे हैं, या फिर नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर भी एरिया ए, इधर भी एरिया ए, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। नाउ दिस अनचार्ज्ड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। द कंडक्टर इज अनचार्ज्ड। फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सर्फेसेस। क्योंकि जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कुछ चार्ज इधर आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा। क्लियर है? उन्हीं चार्जेस का हमको वैल्यू बताना। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये पहले से अनचार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज उतना ही बोलेंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगा। मीन्स राइट वाले सरफेस पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आ गया, लेफ्ट वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब हमको यही फाइंड करना है क्यू कितना है। इस क्यू के कारण यहां पे फील्ड लेफ्ट की तरफ आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस चार्ज के कारण भी फील्ड उतना ही आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके इक्वल होना चाहिए अगर यहां पे फील्ड जीरो होनी है? तो ई नॉट के। ये इंड्यूस चार्जेस के कारण जो नेट फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी जाकर के नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? जीरो होगा। तो क्यू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। क्लियर है? बोलिएगा, कोई डाउट यहां पे? अच्छा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर काइंड। इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज क्यू था, कंडक्टर पे ऑलरेडी चार्ज क्यू है। अब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रख रहे हैं। क्लियर? फाइंड चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। क्लियर है? नाउ अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, तुरंत प्लस चार्ज कुछ यहां आ गया, मान लीजिए एक सा आ गया, नेगेटिव चार्ज कुछ इधर आएगा, बट नेट चार्ज क्यू रहना चाहिए। पहले कंडक्टर अनचार्ज था तो उस पर नेट चार्ज दोनों को मिलाकर के जीरो था। अभी कंडक्टर पे ऑलरेडी कुछ चार्ज था तब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। इंडक्शन होगा, इंडक्शन के कारण कभी नेट चार्ज चेंज नहीं करता है। नेट चार्ज कब चेंज करेगा? जब या तो उसको ग्राउंड कर दें या किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दें। क्लियर? तो अभी अगर देखेंगे, इस पे चार्ज एक्स आया, इस पे कितना बचा? क्यू माइनस एक्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो जो इंड्यूस चार्जेस का फील्ड है
इसके ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ई नॉट ही आना चाहिए। क्लियर है? सो एक्स चार्ज के कारण अगर देख रहे हैं तो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण देखोगे तो क्यू माइनस एक्स, या पॉजिटिव चार्ज अगर ले रहे तो राइट की तरफ आएगा, क्यू माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट देखोगे लेफ्ट की तरफ कितना आएगा, 2x माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ई नॉट के। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट प्लस क्यू बाई 2। क्लियर है? तो क्यू माइनस एक्स कितना आएगा लेफ्ट वाले पे, क्यू में से एक्स माइनस कर दो तो यह आ गया क्यू बाई 2 माइनस ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट किसी को? यहां पे दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स और क्यू माइनस एक्स को देख लीजिए, नेट चार्ज क्यू ही दिखना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर कैरीज चार्ज क्यू एंड टू की, आइसोलेटेड मीन्स फार अवे प्लेस्ड, दे आर नाउ कनेक्टेड बाई अ मेटल वायर। फाइनली क्या कर दे रहे हैं, इनको मेटल वायर से कनेक्ट कर दे रहे। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। बताइए हीट कैसे फाइंड कर सकते हैं इस केस में, इनिशियली कुछ एनर्जी है, फाइनली भी सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होगी, कहने से जो लॉस जाएगा वही हीट के फॉर्म में अपीयर होगा। ये दोनों आइसोलेटेड हैं तो इनिशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, सिर्फ सेल्फ एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस 2 क्यू का होल स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इस पे चार्ज अगर क्यू, इस पे कितना 3 क्यू माइनस क्यू, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल, 3 क्यू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू आ गया हमारा कितना 3 क्यू बाई 2, तो यू फाइनल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर बाई 4 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो हीट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो कि कितना आ जा रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 5 माइनस, यहां क्या बच रहा है 9 बाई 2, तो कितना जा रहा है हीट, क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? बोलिएगा, कोई डाउट किसी को? यहां पे
कुछ और काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये कंडक्टर है अनचार्ज्ड, कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज्ड। आर है इसका रेडियस, ठीक है। क्यू चार्ज को इसके सामने रखे हैं एट अ डिस्टेंस डी। अब फाइंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द स्फीयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सिंपल सा है। क्यू चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, टोटल चार्ज कंबाइंड कितना होगा? जीरो। हमको पता है कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। देखिएगा, आपसे पूछा गया पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण अगर देखें तो इकलौता पॉइंट, एक ही यहां पे पॉइंट है स्फीयर के केस में, जहां पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कितना है पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। इकलौता पॉइंट है यहां पे, एंड दैट इज सेंटर, क्योंकि जो चार्जेस है वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से। नेट इंड्यूस चार्ज जीरो होगा, तो इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल एट सेंटर कितना? जीरो। सो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर इज पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस के कारण कितना? जीरो। क्यू चार्ज के कारण क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर कितना आया? वो आया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी, कोई भी कंडक्टर पे ले लो इनसाइड आउटसाइड, कितना पोटेंशियल आएगा? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये क्लियर है? ए पे जो टोटल पोटेंशियल आया वो कितना आ रहा है? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब ए पे जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, और इनका वैल्यू किसके इक्वल? फोर पाई एप्सिलॉन, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब बताइए ए पॉइंट पे इस क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल आएगा? क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस है इसका? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो हाउ मच इज द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई डी माइनस वन बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए खुद से, बी पॉइंट के लिए या एक सी पॉइंट के लिए, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रहेगा। तो जब भी टोटल पोटेंशियल देखना हो, टोटल पोटेंशियल किसका देखेंगे? सेंटर का, इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस के कारण सेंटर पे क्या पोटेंशियल आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है? क्यू चार्ज है जो कि डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है,
इस अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर से। मेटल स्फीयर कैसे है? अनचार्ज्ड। स्विच को क्लोज करेंगे, ये कंडक्टर जो है ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। फाइंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। स्विच को क्लोज करने के बाद इस स्फीयर पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको पहले स्विच को क्लोज कर दिए, तो इस पे चार्ज कुछ क्यू आ गया। क्या फैक्ट यूज करना है? पोटेंशियल इस कंडक्टिंग स्फीयर का, मेटल स्फीयर का कितना होने जा रहा है? अर्थ किया हुआ है, सो इट्स पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, मीन्स इक्वल टू जीरो। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर देखेंगे तो सेंटर के इक्वल होगा, पोटेंशियल एट ए इज जीरो, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट सी इक्वल टू जीरो। इंड्यूस चार्ज अगर क्यू है तो क्यू चार्ज के कारण सी पे तो पोटेंशियल डायरेक्टली बता सकते हैं, इंड्यूस चार्ज के कारण ए पे नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली, वो जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखें वैसे ही कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्यू चार्ज के कारण सी पे कितना पोटेंशियल? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों का वैल्यू किसके इक्वल? जीरो, दोनों का सम टोटल। सो क्यू इज माइनस क्यू आर बाई, क्लियर है?